ये क्या है? अरे लाइफ में बचत करने से बहुत फायदा होता है। पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैसा बचाने से मुसीबत के समय वही पैसा काम आता है। बचत के तो बहुत फायदे हैं। हम सबको बचत करनी चाहिए। अभी फोन करके पूछता हूँ। हेलो सर, अरे आपने क्या अच्छी बुक लिखी है, लेकिन आप बुक घर में छोड़ के चले गए और मिलने भी नहीं आए। जी मैं खुद कहीं नहीं जाता, मेरे आदमी घर घर में बुक छोड़ देते हैं ताकि लोग पढ़ें और बचत का फायदा उठाएं। सही, बिल्कुल सही। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं, क्या आप पूरे शहर में बचत की भावना फैलाएंगे? आज से आप इस शहर के कमांडर हैं, जनरल हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सब कुछ हैं। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, मैं कमांडर तक ही ठीक हूँ। वेरी गुड, मैं आपको फुरफुरी नगर का कमांडर बनाता हूँ। आप पूरे शहर में बचत की भावना फैलाकर शहर की भलाई करें, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से इस शहर के लोगों को बचत करना सिखाएं। सिखाएंगे ना? सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से, लेकिन सिखाऊंगा। अरे मोटू, क्या सिखाने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, ये पूरे घर की लाइट्स क्यों जल रही हैं? ये फ्रिज क्यों खुला है? चलो बंद करो, कुछ बचत करना सीखो, समझे? अरे मोटो, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? पहले तो पूरे घर की लाइट्स जलती रहती थी। अरे पतलू, बचत करना सीखो, बचत। ऊपर वाले, पता नहीं अब ये नया नाटक क्या शुरू हो गया है। अरे तुम चार समोसे क्यों खा रहे हो? दो खाओ, तभी ना पैसे बचेंगे, और पैसा बचेगा तो फ्यूचर में काम आएगा। चार समोसे खाओगे तो तुम्हारा वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी खर्चा होगा, तो फिर कितना नुकसान है। तो पहले से बचत करो ना। ये लो चाय वाले भैया, दो समोसे वापस। अरे रुको रुको रुको, हुआ तो क्यों, एक समोसे से भी काम चल जाएगा। चाय वाले भैया, ये लो आप। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे चल, चलो भागो यहाँ से, मेरा धंधा खराब करने चले आते हो, भागो। अरे मोटो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा फेवरेट मसाला डोसा। ऐसा नहीं चिंगम सर, ये ऐसा आधा खाओ। आधा डोसा, ये क्या कर रहे हो? अरे चिंगम सर, इतना लंबा डोसा खाकर क्या करोगे, आधा खाओ आधा। अरे मोटू रुक जाओ, यहाँ भी शुरू मत हो जाओ। अरे मैं मोटू, ऐसा मत करो, डोसा खाते समय मेरा कंट्रोल नहीं होता। तुम ये गलत सलत बात मत करो, पूरा डोसा खाने दो। चिंगम सर, आज से आप पैदल काम पे जाना तो पेट्रोल बचेगा, डोसा आधा खाना तो पैसा बचेगा, और मोटू अब शुरू हो गया, और पानी भी आधा ही पीना। बस 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 बस, और नहीं सह सकता, बहुत हो गया, बचत का भाषण। चिंगम सर, गुस्सा नहीं करो, तो क्या करो? और भी बोलेगा, कल से ड्रेस भी आधी ही पहनना, हाफ ड्रेस। वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चिंगम सर, जब पैंट आधी पहनोगे, शर्ट आधी पहनोगे तो बचत होगी ना। ये क्या था? मोटू, यहाँ से जल्दी निकलो। एक मिनट, बस ये कॉल उठा लो। यस सर, कमांडर बचत योजना फुरफुरी नगर स्पीकिंग। कमांडर मोटू, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बचतकर्ता बैंक के बारे में बताता हूँ। ओके सर, वेरी गुड सर, मैं सबको बताता हूँ। अरे भैया सुनो तो, बचतकर्ता बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। आम बैंक हमें देता है 7%, और बचतकर्ता बैंक देगा 14%। बैंक में पैसा बढ़ेगा, उसमें इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा। वहाँ अपना सोना चांदी जेवर अगर रखोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इतना इंटरेस्ट मैं जरूर जमा करवाऊंगा। मैं भी। अरे रुको भैया रुको, पहले बैंक के बारे में पता तो कर लो। अरे
बचत करता बैंक। वेलकम सर। ये मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। जान बनेगा जान, जान बनेगा जान। अब दुनिया पीटेगी मोटू को और खुश होगा डॉन। चलो पतलू, चलकर देखते हैं और बैंक के मैनेजर से पूछते हैं कि कितना सोना और रुपए जमा हुए हैं। अरे ये पैसे कहाँ गए? ये बैंक आ गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। ये बैंक कहाँ गया? मोटू, बैंक कहाँ गया? तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस बैंक में डाली थी। कहाँ है बैंक? तुमने हमें चीट किया, बचत के बहाने तुमने हमें उल्लू बनाया है। मारो, मारो, मोटू को मारो, मारो। अरे रुको तो, मोटू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, किसी और ने किया होगा। मारो इनको, बचत के नाम पर इन्होंने हमारा सारा पैसा लूट लिया है। मारो इनको। रुको, अरे बचत करो, बचत करो। सारा गुस्सा एक बार में ही खर्चा कर दोगे। फ्यूचर के लिए गुस्से को बचाए रखो, फ्यूचर में काम आएगा। हमें उल्लू बनाकर ज्ञान दे रहा है। मारो 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 मारो, मारो, मारो। चलो भागकर कहाँ जाओगे? रुको, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उत्तर है छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए, ये लोग हमें मार रहे हैं। और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए खड़ा हूँ, सबका रुपया लेकर। भागे हो तुम लोग। चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोला था ये इम्पॉसिबल है। बोलो कहाँ है सबका पैसा? पैसा 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 पैसा। चिंगम सर, विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो मैं बचत किताब वाला। मुझे क्या पता था सर कि ऐसा हो जाएगा। कौन है वो? मुझे पता नहीं, मैंने फोन पे बात की है बस। अरे मोटू, तुम हमेशा बुद्धू बन जाते हो। चलो ठीक है, एक काम करो, उसे फोन लगाओ, हम ट्रेस करते हैं कि वो है कौन। ये तो जॉन द डॉन का नंबर है और ये नंबर उसके नाम पे ही रजिस्टर है। आइडिया, सुनो। जॉन, मुझे बचा लो, बचत करता बैंक गायब हो गया है। पूरे शहर के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे बचा लो। मैं बचकर कहाँ जाऊंगा जॉन? नहीं नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो लोग मुझे भी मारेंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर तुम किसी को बताना नहीं। तुम शक्ल मत दिखाओ। ठीक है ठीक है, थैंक यू जॉन। मोटू इधर आया था? नहीं आया था। झूठ मत बोलो, पूरे बैंक का पैसा मोटू लेकर भागा है और उसे तुमने छुपाया है। तुम्हारा भी शेयर होगा। नहीं नहीं, मोटू तो इधर आया है। अच्छा, मोटू यहाँ आया ही नहीं, तो फिर मोटू का सूटकेस यहाँ कैसे? ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब तुमने मोटू को छुपाया है। मारो मारो मारो, मारो, मारो। नहीं हूँ, यही हूँ। और नंबर वन नंबर टू बताओ, जॉन का सारा चोरी का माल कहाँ छुपा रखा है? नहीं तो तुम्हारी भी वैसे ही खातिरदारी होगी जैसे जॉन की हो रही है। मोटू, ये मैप है, इसे देख लो और हमें छोड़ दो।
मुझे उल्लू बना के सब लूट लिया रे। चाय वाले भैया तो चाय देना। अभी लो भैया। कैसे हो सर जी? ठीक है मोटू पतलू। अरे आप लोग कितना मस्त काम करते हैं, घंटी बजाते हुए चले जाते हैं, टन टना टन टन टना टन, सब लोग रास्ता भी खाली कर देते हैं। आपको तो ट्रैफिक की भी टेंशन नहीं है, मस्त काम करके लौट आते हो। हाँ हाँ, हमारा काम करोगे तो पता चलेगा। हम लोग दो दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तुम लोग करोगे? हाँ हाँ कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें आपके काम का भी आइडिया मिल जाएगा। चलो ये भी ठीक है, तो ये लो गाड़ी की चाबी और फोन। अच्छा तो अब दो दिन बाद मिलते हैं। बाय बाय। अब मैं इनको बताऊंगा, बड़े चले हैं फायर ब्रिगेड का काम करने। हेलो सिंगम सर। हेलो बड़े भैया। मेरे भाई मेरे यार, मोटू पतलू फायर ब्रिगेड का काम कर रहे हैं। वेरी गुड यारी। हेलो हेलो, स्काई हेवन टावर में 20वें माले पर कोई मुसीबत में है, तुरंत आ जाओ, जल्दी जाओ। अभी पहुंचते हैं सर। ड्यूटी है सर, बाद में मिलते हैं, बाय। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, स्काई हेवन टावर किधर है? हाँ उधर है सर, सामने है सर। थैंक यू। डरो मत, हम आपको बचा लेंगे। क्या कर रहे हो? बचा लेंगे? ये लो, चोर, पकड़ो उसे। चोर नहीं है, आपको बचाने आए हैं। मुझे क्या बचाने आए हो? मैं अपने ही घर में रह रही हूँ। ये लो। अरे क्या हुआ पतलू, तुम नीचे क्यों आ गए? अरे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने मजाक किया था। पतलू वो मुसीबत में नहीं है, बात ठीक है, लेकिन कोई और मुसीबत में है, वो देखो। अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चिंता की कोई बात नहीं, अब काहे का डर जब मोटू पतलू है इधर। अरे पहले मुझे बचाओ। अभी बचाता हूँ। अरे यार बचा रहे हो या मार रहे हो? बचाओ। इसे फैला के सब लोग कस के पकड़ो, आ जाओ सब लोग। थैंक्स, आप लोगों का थैंक्स। वाह वाह, मोटू पतलू ने एक आदमी को बचा लिया। अब फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बॉस आपके शैतानी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा होगा, बॉस सोचिए प्लीज। सोचता हूँ, आ गया आइडिया। अरे सुनिए, मैन होल के अंदर एक बच्चा गिर गया है, जल्दी आइए। ओके अभी आते हैं। डरो मत बच्चे, हम अभी आते हैं तुम्हें बचाने। बचाओ, चूहा घुस गया है, काट रहे हैं।
किसी ने भेजा था। वो देखो एक डॉगी वहाँ डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। अरे अंदर कोई बच्चा नहीं है, वहाँ ये फोन रखा था। बच्चा कहाँ है? इस फोन के लिए ही तो भेजा था। फोन बोलते तो क्या आ जाते। अच्छा ये बात थी, तो अब खुद ही फोन ले लो। अरे ऐसा मत करो ना। मिल गया फोन। नीचे तो देखो। अरे अरे मेरे डॉगी के बच्चे को आपने बचा लिया। मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। आप लोग कितने अच्छे हैं, मैं आपका थैंक्स कैसे करूं? बताइए आपको क्या चाहिए। नहीं नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये सारी खबरें तुम ही दे रहे थे, फोन की खबर, वो सुसाइड वाली खबर, ये सारी खबरें तुमने ही दी होगी। तुम जरा अपना फोन तो देना। यही इंसान बार बार गलत सलत खबर दे देकर हमें परेशान कर रहा है। मोटू पतलू को ठिकाने लगाने का नया आइडिया सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले थोड़ा नहा धो लो। अपने शैतानी दिमाग में कोई आइडिया सोचो बॉस, सारा चोरी का माल यहाँ ही छुपा है। मोटू पतलू अगर आपके पीछे आएंगे तो सारा माल जाएगा। तो जल्दी जाओ, मोटू पतलू को मिसगाइड करो, उन्हें दूसरी तरफ भेज दो। ओके बॉस। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, क्या करूं? तुम ही कुछ सोचो जल्दी। आइडिया, एक काम करता हूँ, मैं पानी का पाइप खोलता हूँ और पानी की स्पीड बढ़ा देता हूँ, तुम उसे ही पकड़ के ऊपर तक पहुँच जाओ। जाओ जॉन, इस बार फिर तुमने नाटक किया, हमें उल्लू बना रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं आग में फंस चुका हूँ। अरे फिर झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब तरफ आग ही आग है, मेरा चोरी का सारा सामान जल रहा है। अच्छा चोरी का माल जल रहा है, हाँ? फिर झूठ, अगर सच में माल है तो सब नीचे फेंको। कैसे बचा रहे हो, सीढ़ी कहाँ है? अरे सीढ़ी नहीं है फिर भी बचा रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। चलो। अरे बचूंगा तब तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा ना। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट।
कैसे हो मोटू पतलू? तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमें सब खबर मिल गई। बहुत बहुत बधाई हो। मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन मोटू पतलू का भला ही भला हो